नमस्कार। ये देखिए भाई साहब, ये हैं ठगी का शिकार बिमला देवी, ग्राम सभा छेटी। बेचारी न चल पाती है, न इसे कोई रोजगार का साधन है। इनके साथ जो हादसा हुआ, इसे सुनकर मैं भी दंग हो गया। आखिर कौन है ये लोग और कहां से ये नंबर लेते हैं? और जब इन्हें कॉल बैक करो तो ये पता नहीं लगता है कि ये लोग कहां से बोल रहे हैं, और ना ही उस पर दोबारा कॉल जाती है। इनके हाथ जो कुछ हुआ, अब मैं आप लोगों को इन्हीं की ज़बानी सुनाना चाहूँगा कि कब फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया और क्या बोला और कैसे हुआ। विमला अब बताओ आप। अरुण बोले बैंक में आओ, गाड़ी बुक करी थी, आओ बल। हाँ, तुम्हारे बल 3-3 50 हज़ार आए बल, कोई दान कर रहे हो बल, कुछ गाड़ी लो बल 50 हज़ार रुपये। हाँ। कब आया फ़ोन? 11 बजे पर आया। आज? हाँ। आज की कल? आज। अच्छा, आज ही फ़ोन आया, तुम चल पड़े। अब तुम्हें पता ना बैंक बंद है, पहली बात तो ये। बैंक नहीं बोल, बैंक खुला है वाला आज। अच्छा, बैंक खुला है वाला आज, तुम 11 बजे आओ बस, गाड़ी बुक करो बोलो, 50 हज़ार पेंशन लगा तुम्हारा। यानी बोलता मैं कब बेटे बोल लगी। हाँ, तुम्हारी बिमला देवी है बस, तुम्हारा नाम बस। अच्छा, नाम भी पूछा, आप बताया आपने। हाँ, नाम बताया। अच्छा, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो डाटा चोरी हो रहा है जी। क्योंकि डाटा चोरी हो रहा है तभी पता लग रहा है नाम कहाँ है, गाँव कहाँ है। आज जब फोन आता भाई लोग, इनके साथ क्या हुआ कि आज 11 बजे इनको एक फोन, हाँ हाँ, आज इनको एक फोन आता है और कहता है कि आप बिमला देवी बोल रहे? जी हाँ, इन्होंने कहा। उसके बाद में इनसे कहा गया कि आपकी जो है 50,000 पेंशन आ रखी है, आप बैंक जाओ। क्या बोले? आज ही जाओ बैंक में, आज ही बैंक पहुँचो और आपको जो है गाड़ी बुक करो, जैसे मर्जी करो। इन्होंने कहा मैं तो पाई जो ये चल भी नहीं पाती, देखा आपने पाँव दिखाओ जरा, ये देखो, इनको तो जो है बिल्कुल रेंग रेंग के चलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पहुँची थी, यहाँ बैंक भी बंद था, जरा चल के दिखाओ जरा एक बार। ये देखो आप, बस बस अब वही बैठो तुम। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे पहाड़ के सीधे जो भोले भाले लोग हैं, इनको भी ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। ये तो बेचारे ना फेसबुक चलाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कहाँ से इनके पास नंबर आता है, कॉल बैक करो तो उसके बाद उठाता नहीं है। ये यही बात है ना? ठीक है, तो आपकी जो शिकायत हम आगे भेजेंगे। आप और कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, आप उस नंबर पे हमने ट्राई करते हैं, देखो अभी आपके सामने ठीक है ना? और क्या बोल बहुत है? कि ये जो नंबर है जिसे इनको कॉल आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि बगैर मोल भाव के अपना भी आए और भैंस खोल के ले गए, इन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लिखित में कंप्लेंट करनी पड़ी ना, तो कह रहे हैं तुम दस्तखत है? हाँ, कर थप्पड़ लगाओगे ना? ठीक है, हम आपकी जो शिकायत है ना, हम शासन प्रशासन तक जो है पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। बजाया था एक बिमला देवी को, एक बिमला देवी को आपका फोन आया था 10-11 बजे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? देहरादून से। कौन? अरे भाई हम सुनो, हेलो, फोन करा आपने भाई साहब? काट दे, देखो काट दे, काट दे ना, बात करते बोल रहा, मैं देहरादून से बोल रहा, पता नहीं कौन बोल रहा, मुझे भी बोल रहा। चलो ठीक है, ठीक है, अभी जुड़ जाए। जो नंबर है इससे जो है लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है, लोगों को सजग करने की आवश्यकता है। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पुनः गांव की ओर आप छोटी छोटी बातों को जो है छूट लिए, बहुत बड़ी बात है, इसको आप आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उस महिला के साथ जो आज हुआ, गाड़ी का बुकिंग भी देना पड़ेगा, अगला विकलांग है वो चल नहीं पाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है, इस प्रकार के नंबर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ठीक।